मुंबई इंडियंस ने कप्तान रोहित शर्मा की 68 रनों की अर्धशतकीय पारी की मदद से यहां मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर पांचवी ट्रॉफी अपने नाम की। यह पांचवी बार है जब मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रही है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 156 रन बनाए। इस लक्ष्य को मुंबई इंडियंस ने 18.4 ओवरों में 5 विकेट गंवाकर 157 रन बनाकर हासिल कर लिया। बता दें कि मैच जीतने के बाद टीम की मालकिन नीता अंबानी मैदान पर उतर आई और जश्न में शामिल हुई। नीता अंबानी पहले तो मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा के पास आई और उन्हें जीत की बधाई देते हुए हाई फाई किया। सोशल मीडिया पर नीता अंबानी और रोहित शर्मा की हाई फाई करते हुए तस्वीर खूब वायरल हो रही है। फाइनल में ट्रेंट बोल्ट ने कमाल की गेंदबाजी की और 3 विकेट लेने में सफल रहे। उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।